सो हेलो गाइस, होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। नमस्ते, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो ये रही अपनी बीस्ट। तो अभी मैं पेपर देने गया था, जैसा कि आप सभी को पता ही है, पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो पेपर देकर मैं आ गया हूँ, 2 घंटे का ही पेपर था। तो पेपर देकर हम आ गए हैं भाई, लोग आते हैं तो। सो गाइस, 2 ही घंटे का पेपर था हमारा और आ गया हूँ मैं, मतलब लगभग 1 घंटा और 30 मिनट हुए हैं, तो इतने में कर दिया मैंने। तो 2 घंटे के पेपर को ज़्यादा टाइम लगता है करने को 3 घंटे के मुकाबले में, मेरे ख्याल से, मतलब जो एवरेज टाइम है। तो अभी निकलेंगे हम घर के लिए और पूरा ब्लॉग बनाऊंगा इधर से घर तक, तो बिल्कुल स्मूथ जाएंगे हम धीरे धीरे, ज़्यादा हाइपर करेंगे नहीं। तो मिलते हैं बाइक के ऊपर, गोप्रो लगाता हूँ मैं हेलमेट के ऊपर। लोकेशन बड़ी तगड़ी है इधर, और ये वाला रोड भाई एकदम स्मूथ रोड है, ऐसा नहीं है, बहुत ही बढ़िया रोड है और चौड़ा भी ठीक ठाक ही है। तो इधर से आगे हमको NH है, बाकी फतेहपुर से आगे तो हमारे घर वाला रोड है, जो कि आपने देखा ही होगा हमेशा से। तो बिल्कुल आराम आराम से जाएंगे हम, मेरे को भूख भी लग गई है इस टाइम, और 3:30 हुए हैं लगभग, लगभग क्या 3:40 हुए हैं। तो मतलब लगभग 5, 5:15 बजे तक मैं घर पर पहुंच ही जाऊंगा। तो कल हम पंकी भाई के घर में रुके हुए थे और शाम को शादी थी, और शादी में गए थे मैं इन कपड़ों के साथ, कल दिन को भी इन्हीं कपड़ों के साथ आया था एग्ज़ाम देने, जैसा कि आपने देखा होगा। तो देख लो भाई, फुल बाबर चले हूँ अल्टो वाले भाई, ये देखो इंडिकेटर कैसे लुढ़क गया है, क्योंकि इसका जो अंदर का नट है ना, वो टाइट ही नहीं किया था जब ये लगाया था, तो ये पहले टाइट करना चाहिए था। अब ये बार बार खुल रहा है और तारे खोलना पड़ेगी, उसके बाद ये नट टाइट होगा, तब जाकर ये इंडिकेटर एकदम फिट बैठेगा। सो गाइस, किया है मैंने इसको टाइट, चल तो ये रहे हैं बिल्कुल बराबर। तो आप भी डलवा सकते हो LED बल्ब इसमें, और हाथ से ज़्यादा टाइट हुआ नहीं है, तो देख लो नट खोलने का सबसे आसान तरीका है वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन से खुद नट खुल जाते हैं धीरे 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 धीरे। जो नट कभी नहीं खुलना होता वो भी वाइब्रेशन से खुल जाता है, तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस, क्लासी में हम पहुँच चुके हैं और इधर से आगे हमारा NH ही है फतेहपुर तक लगभग, तो 15 किलोमीटर हमको, 15 ही होगा लगभग फतेहपुर, तो 15 किलोमीटर हमको लगभग NH है, और उसके आगे 15 किलोमीटर हमको सिंगल रोड है। तो जो हमको आगे वाला 15 किलोमीटर है उसमें हमको आधा घंटा लग जाएगा, और जो ये वाला 15 किलोमीटर है इसमें 15 ही मिनट लगेंगे। अगर हमको कहीं रोड साइड पर छाया मिलेगी ना, तो उधर बनाते हम रील और भाई आंखों में चलेगी। भगवान, क्या जुलूम है। एकदम से कट मार दिया भाई ने इस साइड को। तो गाइस, बिल्कुल आराम आराम से चले हुए हैं हम, क्योंकि मेरे को दौड़ाने का जरा भी मन नहीं है अभी भाई को, बिल्कुल आराम से चले हुए हम। अभी मैं बस के पीछे चला था और बस खड़ी होगी चढ़ाई को पीछे की तरफ लग गई है, तो क्या कमी हो सकती है, ड्राइवर की कमी नहीं होती है बस में, अभी कोई दिक्कत हो गेयर मारते हैं इसलिए मेरे को पता है। ओ भाई, ये क्या कर रहे हैं अंकल लोग आगे, खाने का मजा आ रहा है बिल्कुल।
का पेट्रोल पंप रह गया है पीछे, तो वहाँ पर मेरे को ख्याल ही नहीं आया कि मैंने पेट्रोल डलवाना भी है और एक ही सेल बचा हुआ है। तो आगे है नायरा का पेट्रोल पंप है, पर वहाँ पर पता नहीं भाई तेल है कि नहीं। मेरे को ऐसी याद है जब मैं लास्ट बार गया था तो उनके पास तेल नहीं था, और लास्ट टाइम गिरने से पहले मतलब मैंने यहाँ पर रील शूट की थी फुल वहाँ पर चले हुए बंदे मानते नहीं है तो जय हो। तो यहाँ पर की थी मैंने रील शूट पंकी भाई के साथ। और सो गाइस हवा डाल लेते हैं हम, आगे वाले टायर का सीन ही है क्या हो उतरती रहती है। सो गाइस फ्यूल डलवा लिया है हमने और सिंगल रोड शुरू हो गया है अब हमारा, तो सिंगल रोड है और साथ में है खड्डो वाला रोड, तो थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा भी नहीं है ख़राब, पर मतलब अभी सिंगल है अब हमको लगभग 15 किलोमीटर तो है ये हमारे घर तक। तो भाई इस जगह को बोलते हैं गांडू का नाड़ा, और यहाँ पर पानी था पीने के लिए कहाँ जब सब है, तो बड़ी डरावनी सी जगह है, भूत प्रेत मिलते हैं यहाँ पर और पहले से मिलते आते हैं, मतलब पीछे वाले टाइम पे अभी तो पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मिलेगा अभी, पर बोलते हैं ऐसा है क्योंकि ये देख लो पूरा जंगल वाला रास्ता है, रात के टाइम बिल्कुल सुनसान होता है। अभी हम आगे जैसे से आपको व्यू दिखाएंगे ऊपर से हाइट से आता है नीचे की तरफ को तगड़े वाला व्यू, रील बनाने का टाइम तो अभी हुआ ही नहीं है क्योंकि देख लो सूरज कहाँ चढ़ा हुआ है, अभी 2.5 घंटे हैं इसको नीचे उतरने में, और पता नहीं क्या हो रहा है जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे नाक में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। सो गाइस इधर से देख लो नीचे की तरफ मतलब पूरा इलाका दिखता है दूर दूर तक, उधर से लेकर उधर तक सारा का सारा। तो मेरे से बोला जा रहा है ये वाला ब्लॉग तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉग करेंगे हम यहीं पर ख़त्म। और भाई साहब बाइक की लुक देखो मतलब सूखा होता है ना रोड, सूखे रोड में चलाते हैं अगर कीचड़ काचड़ ना लगा हो तो, मतलब मैं बार बार देखता रहता हूँ बाइक को। तो ये आगे जो इंडिकेटर डाला है ना ये डाला है FZ का, तो ये अलग है ये अलग है देख लो सैंपल बना दिया ये, तो क्या करें। तो करेंगे ये वाला ब्लॉग हम ख़त्म, होप आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अब वीडियो देखने को मिलती रहेगी आपको। तो मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में कल के साथ, तो टाटा गुड बाय लव यू ऑल।